तो ये क्वेश्चन में क्या दिया गया, रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है फॉर दिस, दिया हुआ है आपको ये। सो रेट कितना दिया है आपको, 3.6 10^-2 मोल पर डीएम क्यू सेकंड इनवर्स। इफ H2 डिसअपीयर एट द रेट ऑफ 0.3 मोल पर डीएम क्यू, मतलब ये क्या है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2 और NO का कॉन्सेंट्रेशन है 0.1। सो कैलकुलेट रेट कॉन्स्टेंट आपको निकालना है, K का वैल्यू निकालना है इफ द रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर इन H2 एंड सेकेंड ऑर्डर इन NO। सो बेसिकली आप यहाँ पर रेट कैसा लिखेंगे, रेट इक्वल टू के आपका H2 के टर्म्स में क्या है फर्स्ट ऑर्डर एंड NO के टर्म में क्या होगा सेकेंड ऑर्डर। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, आपको K निकालने का है तो K इक्वल टू क्या हो गया, रेट डिवाइडेड बाय H2 एंड NO स्क्वायर। सो रेट का वैल्यू कितना है 3.6 10^-2। H2 का कॉन्सेंट्रेशन H2 का कितना दिया है 0.3 एंड NO का कितना दिया है 0.1। इसका स्क्वायर करो 0.1 × 0.1, ये बेसिकली क्या होगा 10^-1 10^-1 10^-2 हो जाए, कट जाएगा 3.6 अपॉन 0.3 है 36/3, कितना हो गया आंसर 12। सो ये रेट कॉन्स्टेंट है, सो आपका आंसर 12 है, करेक्ट आंसर विल बी डी। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन हाफ लाइफ टाइम एंड रेट कॉन्स्टेंट फॉर ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन। सो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ टाइम एंड कॉन्सेंट्रेशन का फॉर्मूला जो रिलेशन है ये होता है। सो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ए नॉट है, के इज योर रेट कॉन्स्टेंट। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या आएगा, बी। अ रिएक्शन विच कंस्टिट्यूट्स अ सीरीज ऑफ एलिमेंट्री रिएक्शंस। ओके, सो इस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, जिसमें आपके बहुत सारे स्टेप्स इन्वॉल्व रहते हैं एंड देन फाइनल प्रोडक्ट मिलता है। ओके, सो इस क्वेश्चन में क्या दिया है, टाइम रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीशन ऑफ 50% ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। सो टाइम रिक्वायर्ड फॉर 50% ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज टी, टाइम रिक्वायर्ड फॉर 75% पूछा है। सो आपको फॉर्मूला पता है 2.303 के लॉग ऑफ 10 ए नॉट बाय ए टी। सो फर्स्ट केस में आपका टाइम टी है 2.303 के लॉग ऑफ 10, ए नॉट क्या है इनिशियल ए नॉट ही रहेगा, ए टी रिमेनिंग कितना हो जाएगा 50% आपका कंप्लीट होने के बाद जो रिमेनिंग बचेगा कितना रहेगा, ओके ए नॉट बाय हाफ। सो बेसिकली क्या हो गया 2.303 के लॉग ऑफ 10 कितना है आपका, ये 1/a0 कैंसिल है 2 पर आ गया, इसको आप इक्वेशन 1 दे दो। सेकंड में क्या पूछा है आपका, कितना कंप्लीट हो रहा है 75%, 75% मतलब आपका इनिशियल 100 है। ओके, तो 100 में से रिमेनिंग कितना बचा 75, 25, 80 कितना आएगा यहाँ पे 25। सो ये क्या हो गया 2.303 के लॉग ऑफ 10 क्या हो जाएगा 4। सो ये 4 है, 4 को आप पावर करोगे 2^2 वो आगे आएगा। सो ये टी डैश क्या आ जाएगा 2 × 2.303 के ओके लॉग ऑफ 10^2, आपको पता ही होगा लॉग वाला लॉग का जो फॉर्मूला होता है। तो ये इसका वैल्यू क्या है टी, इस टी डैश क्या हो गया आपका 2 × t, हेंस करेक्ट आंसर इज ए। सो आपको लिख के दिया कॉम्प्लेक्स रिएक्शन टेक्स प्लेस इन टू स्टेप्स। सो यहाँ पे आपको क्या निकालना, रिएक्शन इंटरमीडिएट। सो रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या होता है, जो फर्स्ट स्टेप में प्रोड्यूस होता है एंड सेकंड स्टेप में कंज्यूम हो जा रहा है। सो आप देख सकते हैं यहाँ की फर्स्ट स्टेप में NO2Cl है और यहाँ की सेकंड स्टेप के फर्स्ट स्टेप में दोनों में कॉमन क्या है, यहाँ पे और यहाँ पे कॉमन है आपका क्या Cl। सो Cl इज व्हाट, रिएक्शन इंटरमीडिएट। ओके, क्योंकि ये कैंसिल हो जाएगा और बाद में आपको ना तो रिएक्टेंट साइड मिलेगा ना तो प्रोडक्ट साइड मिलेगा, हेंस करेक्ट आंसर इज सी। तो ये क्वेश्चन में आपको रिएक्शन दिया गया है, आपको यहाँ पे रेट ऑफ SO4−B दिया 2.2 × 10^-2, आपको कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ I3−dt पूछा है। सो रेट इक्वल टू क्या होता है, SO4−2 किधर है आपका प्रोडक्ट साइड, I3−B क्या है प्रोडक्ट साइड। सो DI3−dt और आपका SO4−, यहाँ पे कोएफिशिएंट क्या है 2 है, सो प्लस हाफ DSO4−, ये आपका dt। सो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ये आपको दिया है, ओके रेट ऑफ अपीयरेंस आपको ये दिया है, आपको क्या निकालना I3 − हाफ, यहाँ पे क्या वैल्यू हुआ 2.2 10^-2, कट करोगे आपको आंसर क्या गया 1.1 10^-1, हेंस यहाँ पे आपका करेक्ट, ओके सॉरी यहाँ पे -2 ही रहेगा, करेक्ट आंसर इज सी। सो इस क्वेश्चन में क्या दिया गया, द हाफ लाइफ वैल्यूज ऑफ टू डिफरेंट फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन आर 75 मिनट एंड 2.5 आवर।
व्हाट इज द रेशियो ऑफ द रेट कॉन्स्टेंट। सो फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ का फॉर्मूला क्या होता है, 0.693 बाय के, दोनों क्या है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। सो टी वन बाय टी टू क्या आएगा, के टू बाय के वन। ओके सो आपको रेशियो ऑफ रेट कॉन्स्टेंट पूछा है, मतलब के वन बाय के टू इक्वल टू टी टू बाय टी वन। सो टी टू क्या है आपका 2.5 आवर, मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो 60, और टी वन क्या है आपका 75। 15 4 जा 15 5 जा 2.5 को आपने 4 से डिवाइड मल्टीप्लाई किया तो 10/5। सो आंसर क्या आया 2/1, करेक्ट आंसर इज। में क्या दिया गया, फाइंड द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इफ द यूनिट ऑफ रेट कॉन्स्टेंट इज मोल पर डीएम क्यूब सेकेंड इनवर्स। सो मोल पर डीएम क्यूब सेकेंड इनवर्स, सो मोल पर डीएम क्यूब का मतलब क्या होता है, मोलार एस माइनस वन। सो ये जनरलाइज्ड फॉर्मूला है टू फाइंड आउट द ऑर्डर ऑफ एनी रिएक्शन। सो यहाँ पे 1 माइनस एन, ओके एन क्या है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो 1 माइनस एन को आप यहाँ पे इक्वेट करो, यहाँ पे 1 है। सो क्या आएगा आंसर, एन उधर गया 1 माइनस 1, सो ऑर्डर आपका क्या आ गया 0, हेंस इट इज अ 0 ऑर्डर रिएक्शन। सो ये जनरलाइज्ड फॉर्मूला आप ध्यान में रखो, ठीक है। क्या दिया है, कैलकुलेट द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, रेट कॉन्स्टेंट ऑफ रिएक्शन इज ए। सो रेट कॉन्स्टेंट इक्वल टू के इक्वल टू 0.693 डिवाइड बाय टी हाफ, आपको टी हाफ निकालना है, 0.693 बाय के कर दो, के का वैल्यू कितना दिया है आपको 9 × 10⁻³। सो 9 से कट किया तो कितना आएगा आपका आंसर, 7 जा जाएगा ये, ओके। सो अप्रोक्सीमेट आपका आंसर आएगा, सो यहाँ पे अप्रोक्सीमेट आंसर आएगा 0.007। आप इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 77 मिनट मिलेंगे। इट्स करेक्ट आंसर इज बी।